अपनी जगह से नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, सारा कैश मेरे हवाले कर दो। जस्ट आपका नाम लिया चोर डॉक और आप आगे लुक हु इज हियर वेलकम वेलकम हेलो मैं सर टीचर भाई वाह वाह मानना पड़ेगा हमारा बैंक तो काफी मशहूर हो गया चोर डाकू भी अब यहाँ पे पैसे जमा कराने आते हैं मैं कैश जमा कराने नहीं आया मैं बैंक लूटने आया पैसे निकलवाने का पहले फॉर्म भरिया हम साइन मैच करेंगे तब आपको पैसे देंगे ना साइन मैच करने साइन तो मैच हो रहे हैं और पैसे चाहिए तो मैं इसके झुमके और कड़े भी उतरवा दूं आपको अरे मैं नहीं दूंगी अपने कड़े इसने कड़े शब्द में कह दिया कि ये कड़े नहीं देगी बकवास बंद करो और तुम है बड़े जुड़े वाली क्या सारे पैसे इधर लेके आओ हट अरे सारा पैसा जल्दी इधर लेके आओ मैं जूड़े पे गोली मारूंगा उड़ता जाएगा ये ऐसे कैसे पैसे दे दूं आपको देखिए बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के मैंने पैसे कमाए और देखिए डाकू भाई साहब आप बिना अगर पढ़े होते तो डाकू बाकू की चोरी गिरी नहीं करते आप ही किसी बैंक में मैनेजर लगे होते पकड़ो जरा हाँ. आपको पता है हम लोग डाकू आप लोगों की वजह से बने हैं हाँ आप लोग इतनी पनिशमेंट देते हैं बच्चों को मेरे को इतना गुस्सा था मैंने डाकू बनना था मैंने डाकू बंदूक दो वापस पैसे दो इधर भाई मानना पड़ेगा मान लो मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ डाकू बनना कोई आसान काम नहीं होता कड़ी धूप में घोड़े पे इतने गंदे गंदे बाल लेके बैठना बदबू मारना भाई बहुत मुश्किल है डाकू बनना मैं तो चलो डाकू हूँ आपने सूर जैसे बाल क्यों रखे हुए अपने बाल देखो पहले आपको पता है डाकू बनना कितना मुश्किल है बहुत ज्यादा कितना हिसाब किताब रखना पड़ता है कितने आदमी थे होली कब है सरकार ने कितने इनाम रखे है कितने कितने कोस दूर तक बचा सारे हिसाब किताब रखना पड़ता है ऐसे जो डाकू बन जाते हेलो स्वीटी पर तुमने गोलियां कैसे पैक की सारी निकल रही मेरी तुम ढंग से काम नहीं करना तो किसी और से शादी कर लो मैंने गोली मार दूंगा मैं सारा कैश मेरे वाले करो सारा कैश वाले करो मेरे गोली मारने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट चेक करो गोली मारूंगा मैंने तीन तक गिनना है अरे ऐसे कैसे तीन मैं 100 तक सुनूंगी मैं तेरी मां से ट्यूशन नहीं पढ़ता रहा हूं गोली मार दूंगा मैं देखिए तुम हां सुपर करो ऊपर करो हाथ बंदूक मेरे हाथ में अच्छा मैं हाथ पर कर लेती पूरे ऊपर करो हम भी कर रहे तुम भी करो मैं एक हाथ नीचे कर लूं पूछ के कर लिया बस जो है बंदूक मेरे हाथ में मैं अगर मेरे को कहीं पता चल जाए ना चलती कैसे मैं गोली मार देनी मैंने हाथ ऊपर करो कोई हाथ नीचे नहीं करेगा खुजा भी नहीं सकते मैं खुजा देता हूँ कहाँ हो रही खुजली बताओ यार मेरे तुम कस्टमर है तुम्हारे साथ इतनी भी खुजली नहीं है मेरे को मैं बड़ी खुजली होती ऐसी जगह गोली मारूंगा ना डॉक्टर को नहीं बता पाओगे कहाँ लगी है आप बंदूक मुझे पकड़ा दो खुजली कर ले खुद इधर आओ यार तुमने बहुत अच्छी बात की है मैं तो पहले क्या बात है पैसे निकालो फटाफट पैसे निकालो मुझे गंदी गालियां भी आती है पापा पापा बेटी पापा किसकी बेटी हो डॉक्टर गुलाटी शर्म आनी चाहिए आपको मतलब शर्म आनी चाहिए अरे आप फ्रॉड कर रहे हो अब कहाँ फ्रॉड हो रहा है अब तो पकड़ा गया ना तो आप शादी करके इसको साथ में ले जाएं वैसे भी इसका सपना था कि इसके सपनों का राजकुमार घोड़े पे आएगा और आपके पास घोड़ा तो होगा ही अपना वैसे आप पैसों का क्या करेंगे मैं 3 साल से अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट नहीं दिया मैंने मैं गिफ्ट लेके दूंगा ओह सो स्वीट एक ये डाकू है जो अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ख्याल रखता है और एक वो कप्पू है गधा मुझे परवाह भी नहीं करता खबरदार अगर उस कप्पू का नाम लिया तो खबरदार जो उसके बारे में एक बार मामा गोली मार दूंगा आपको इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है डाकू साहब तो मुझे तेरे से मैं तेरे मार नहीं तेरे बंदूक कैसे अनप्रोफेशनल डाकू है अब आए और सीधा गोली थान दी ये नहीं देखा दो लड़कियां खड़ी हैं आइटम डांस ही करवा लूं मैं इधर ना डाका मारने आया हूं मैं इधर डांस ऑडिशन ही लेने आया ऐसे कैसे नहीं लेंगे आप ऑडिशन इतना बड़ा सपना था मेरा कि एक दिन एक डाकू घुड़सवार घोड़े पर सवार होके आएगा सा 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 रे 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 और मेरा डांस का ऑडिशन लेगा कर ले यार डांस मरो यार जा मरी जा रही डांस के चलो 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 चलो
कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमारा ऑपरेशन हुआ है, कोई जगह अपनी जगह से नहीं लेगा। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े रहो। अभी खड़े तो है यार। मेरी इधर नहीं, नहीं मेरी वहां पे थी जगह भी इधर है। हम लोग हिले। मेरी ये जगह थी। मेरी जगह यही थी। मेरी इधर यहां थी। अपनी अपनी जगह पे खड़े। मेरी जगह यही थी। तू उधर था, पहले तो इधर था। पहले तो यहां मेरी इधर। बहन जी आप उधर थी। देखिए आप बहन जी आप उधर थी। यहां आ गया। मेरी जगह यही है। मेरी यार मैं इधर खड़ा था पहले। रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगा। मैं भी चला दूंगा। तुम गोलियां चेक कर लो चलाने से पहले पे, उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गया। कई बार गोलियां एक्सपायरी डेट पे होती है। गोली खा के रहेगा तू तेरे को एक मिनट। उन्होंने गोली चला देनी है। अरे यार इतना अच्छा डांसर था, आपको भी अभी आना था। इंस्पेक्टर डीआईजी कभी जुर्म के बाद नहीं आता, वारदात के पहले ही पहुंच जाता है। बड़ी बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी वारदात के साथ टाइम पे पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जितना भी पैसा है इस बैंक में सब निकाल के मुझे दे दो। सरला तुम जाके मेरी गाड़ी में बैठो। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों जाके तुम्हारी गाड़ी में बैठूं? यार कोई भी मेरी गाड़ी में बैठती नहीं है। कोई अपनी जगह से लगा नहीं। अरे ये क्या फैशन आया यार इस दुनिया में, जो भी आता है यहाँ बंदूक लेके की बात कहता है, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और कहाँ हिल रहे हैं यार हम अपनी जगह से। जब तक मेरे को मेरे गाड़ी नहीं मिल गई इधर से कोई जाएगा नहीं। और मेरा भी 1,00,000 रुपए जमा है इनके पास। अच्छा तुम्हें अपने 1,00,000 की पड़ी है, मेरे 1,500 जमा है, उसका क्या? अगर अब किसी ने बकवास की ना, मैं 6 की 6 गोली उसके पेट में, तुम अपना पेट अंदर खींचो, तुम्हारे नजायज लगेगी। मारनी मैंने उसके, तुम्हारे निकलते निकलते लग जाएगी। सर सर एक्सक्यूज मी, सर आपका मुच्छी थोड़ा नीचे। क्या ना? मुच्छी थोड़ा नीचे आ रहा है। अच्छा वो आई एम एक्सपीरियंस मैं करता हूं प्लीज। बिना मूंछ के तो तुम बिल्कुल कप लग रहे हो। और आपको पता है, आपकी मूंछ उतार दो ना तो आपकी शक्ल मेरे घोड़े जैसी है। तुम्हारे पास तो घोड़ा है ही नहीं। मेरा घोड़ा डॉक्टर बन गया ना। तुम हमें शरेआम धोखा दे रहे हो। तो क्या धोखे को शरेआम देता? अभी मैं क्या कहता हूँ काफी शर्मा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। नानी क्या हुआ? अरे कप्पू, कप्पू, ये लोग सर पे आंवले का तेल लगा दो, तू आंवले का पेड़ लगा घूम रही है? ये आंवला नहीं, पीपल है, पीपल है। तो पीपल गलत जगह उग गया। नहीं पीपल भी है लेकिन तेरा सर गमला थोड़ी है, ये क्यों लगाया उसके ऊपर? अरे मैंने थोड़ी ना लगाया, मैं तो इस मोई डॉक्टर के पास गई थी पिंपल निकालने के लिए, पीपल निकाल दिया। बोलो अब मैं क्या करूं, मुझे पता तो सही। ओहो, सो बीइंग ए पीपल ऑफ इंडिया, पीपल के ऊपर दो पीपल, पीपल के नीचे दो पीपल, ऊपर नीचे पीपे पीपल, हाउ मेनी टोटल, हाउ मेनी पीपल? तुझे पहले सूझ रही है या मेरी पीठ सूजी हुई है? ओए ये क्या लिखा? ये दादी तूने ये क्या हार्ट के पीछे रमेश सुनीता क्यों लिखा हुआ है? मैंने थोड़ी ना लिखा है। तो अरे ओ पेड़ समझ के एक लड़का और लड़की मेरे पीछे आकर के बैठ गए, चाकू से अपना नाम लिख दिया उन्होंने। बोलो मैं क्या करूं। अच्छा पारी, जिन लोगों को पता होता ना कि हमारे प्यार का कुछ नहीं होना, माँ बाप ने मानना नहीं लड़का वेला है, वो फिर जाके ना पत्थरों से लेके खिर्च खुर्च के नाम लिख जाते अपना। ये तो फिर भी नानी के पीठ पे लिख के गए। कई लोग तो बड़े बड़े महलों में, झांसी में, किले में लिखाते जाके, और कई बाथरूम में लिख देते हैं। आपको कैसे पता? अब मैं बाथरूम कर रहे हैं क्या, सामने दिखते हैं गुरु? ऐसी गलत गलत हरकतें कर जाते हैं लोग, तभी आपको पता गुस्से में आके पेड़ इंसानों पे गिरते हैं। भाषण मत दे, इसका इलाज दे। इलाज कोई नहीं इसका, पेड़ काटना पाप होता है, पेड़ नहीं काट सकते, बढ़ने दे इसको। थाने दो उस मुए डॉक्टर को। थाने दे डॉक्टर, ए डॉक्टर। ओहो, हर कोई बुला रहा है। पागल वाले। What a busy day. Yes. डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती? आती है। आपने मेरी नानी, आपने मेरी नानी के सर पे पीपल निकाल दिया। हाँ तो जिसके दिमाग में गोबर और पीपल ही निकलेगा ना। और आपके दिमाग में तो गोबर भी नहीं है, तभी सूखी घास उग रही है। ये आग बड़ी जल्दी पकड़ती, मैं आपको बता रहा हूँ। I know. माचिस लेकर कर दूंगा किस दिन में। वो तो है, बट इससे तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे बताओ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है लोग आके मेरी नानी को पानी देके जा रहे हैं। देखो
तुझे दिख नहीं रहा है डॉक्टर, कबूतर ने क्या हाल कर रखा है मेरा। ओ शिट, तो वही तो कह रहे हैं ओ शिट। ये देखो, देखिए आप है ना पुष्पा जी, आप हमेशा आउटपुट के बारे में सोचती है, इनपुट के बाद ध्यान नहीं रहता आपको। इसमें क्या इनपुट है? देखो यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, कल को मधुमक्खी को पता लगेगा, छत्ता बनाएंगी एंड यू कैन हैव शहद एंड ऑल डायरेक्टली। फिर इसके ऊपर फ्रूट लगेंगे, कभी आम कभी चीकू, तोड़ो खाओ फ्रेश एकदम, यू कैन हैव अ गुड टाइम। ए बुढ़ाओ, तेरी माँ ने फ्रूट का बाजार नहीं खोल रखा है, ऊपर पीपल का पेड़ है, ये कौन सा फल लगता है इसमें? पीपल के पेड़ पे फल नहीं लगते। मैं कौन सा किसान हूँ जो मुझे पता है, मैं ठहरा डॉक्टर, क्या पता फल फूल के बारे में। बट आई मस्ट से कपू, ये मैंने दुनिया का 8वां अजूबा बनाया है ताजमहल के बाद। तो एक काम करते हैं, हम भी ना शाहजहां की तरह इसके हाथ काट देते हैं ताकि 9वां अजूबा ना बनाइए। हाथ काट देंगे यार, दिस इज नॉट राइट। बट जब तक मेरे पैर चलेंगे तब तक मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा, ये मैंने डिसाइड किया हुआ है। काट तो नानी, पकड़ इसके पैर ही काटते हैं आज, इसके पैर ही काटते हैं, एक के पैर काटते हैं। नानी लाश को अंदर लेके चल, अरे लटा नानी, नानी लटा जरा, नानी चढ़ इसके ऊपर जरा। नहीं तुझे कसम लगे, पता नहीं किसकी, तेरे आज पैर काटते। मैंने तुम्हें जिंदगी दी, तुम मेरी जान ले रही हो। जिंदगी? तुम उसकी माँ हो? तुमने क्या जिंदगी दी उसको? वैक्यूम क्लीनर की औलाद, अपनी बेटी को खींच लिया होता तो कम से कम 4 फीट की तो होती हो।